इसका प्राइस है सिर्फ 250 रुपीज। ओके लास्ट हॉल फ्रॉम टू लास्ट हॉल बोलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वाति, एंड अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो मैं फैशन ब्यूटी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। एंड आज की वीडियो होने वाली है ह्यूज, सच में ह्यूज अमेज़न ड्रेसेस हॉल। एंड आई थिंक 8 या 9 मैंने ड्रेसेस परचेज किए, एंड सभी का प्राइस अंडर 700 होने वाला है, एंड स्टार्टिंग प्राइस तो आई थिंक 250 होने वाला है। एंड वो ड्रेस तो इतनी प्यारी है ना, 250 वाली तो क्या ही बोलूँ मैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं एंड काफ़ी सारी परचेज किए, तो जल्दी जल्दी मेरे को नहीं बोलना है। सभी की डिटेल्स में सब कुछ बताने वाली, कैसे फैब्रिक है एंड कैसे मेरे को फिट आया है, एंड समर्स अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले जो मैंने डाली उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये भी इस होल का ही पार्ट है, एंड इसकी स्लीव्स की लेंथ 3/4 दी गई है, एंड स्लीव्स में आगे की साइड ये इलास्टिक दिया गया है, एंड ओवर इसका नेकलाइन दिया गया है। काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, जॉर्जेट का, एंड इनर इसकी लाइनिंग दी गई है तो बिल्कुल भी इचीनेस नहीं होती, एंड काफ़ी परफेक्ट है समर्स के लिए। एंड इसके वेस्ट के अराउंड इलास्टिक दिया गया, उसकी वजह से काफ़ी प्यारा फिट आता है। मुझे लिटिल बिट लूज है ये, इसमें मेरा साइज स्मॉल है, बट इसकी लेंथ ओवरऑल काफ़ी परफेक्ट है, एंड समर्स के लिए काफ़ी प्यारी ड्रेस होने वाली है क्योंकि इसका कलर एंड इस पे जो ये छोटे छोटे फ्लावर्स बने, सनफ्लावर, काफ़ी प्यारे लगते हैं डालने के बाद। तो या मुझे ये काफ़ी पसंद आई है। इसका प्राइस अराउंड 400-500 के आसपास है, विच इज़ ए ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट, क्योंकि इतनी प्यारी क्वालिटी एंड वो भी इतने अच्छे प्राइस में मिलना इज टू रेयर। नेक्स्ट मैंने परचेज की है ये वाइट ड्रेस, एंड एग्जैक्ट ऐसी ही सेम ड्रेस मैंने H&M से दिखाई थी, बट उसमें थोड़ी सी डिटेल्स अलग हैं। यू नो यहाँ पे रिप डिटेल दी गई है, एंड इसमें वैसा कुछ नहीं दिया गया, बट प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। इसका प्राइस सिर्फ 299, एंड H&M वाली का प्राइस है 1499, विच इज लाइक 5 टाइम्स इस ड्रेस के प्राइस से। बट इसकी अभी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, डालने के बाद ये भी काफ़ी प्यारी लगती है। इसके यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है स्लीव्स में, एंड स्क्वेयर इसकी नेक लाइन दी गई है, एंड इसमें मैंने साइज परचेज किया है स्मॉल, एंड इसकी लेंथ नी से थोड़ा ऊपर आती है, एंड मेरी हाइट 5'6" है, तो अगर आपकी हाइट उससे भी कम है तो आपको थोड़ी सी और नीचे तक आ जाएगी। एंड इसमें है ना यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है स्लीव्स में, तो उसकी वजह से काफ़ी प्यारा इफेक्ट आता है। यहाँ से बलून टाइप जो है वो स्लीव्स लगती हैं, एंड इसके भी अगेन वेस्ट में ये इलास्टिक दिया गया है, बिल्कुल भी चुभने वाला इलास्टिक नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो डालने के बाद ये भी काफ़ी प्यारी लगती है। मुझे ये ड्रेस काफ़ी प्यारी लगी क्योंकि इसका फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट सा है, समर्स के लिए परफेक्ट है, एंड प्रिंट भी काफ़ी प्यारा दिया गया है। लुक एट दिस, रेड, ग्रीन, येलो, काफ़ी प्यारे प्यारे इसके ऊपर फ्लावर का पैटर्न दिया गया है, जो डालने के बाद काफ़ी प्यारे लगते हैं। सो या एंड इसका फिट भी मुझे काफ़ी अच्छे से आया, डालने के बाद काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो इट्स ए ग्रेट ग्रेट परचेज। ओके नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये बॉडीकॉन ड्रेस, एंड आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते रहते हैं कि प्लीज़ बॉडीकॉन ड्रेसेस भी दिखाओ, एंड इसकी लेंथ थोड़ी सी नी से बिल्कुल नीचे जो लेंथ होती है ना वैसी है, ना ज़्यादा मेरे को लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, काफ़ी परफेक्ट लेंथ दी गई है इसकी। एंड इसका जो प्रिंट दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड स्लीव्स की डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, बट इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक है एज कम्पेयर टू समर्स। इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक सा दिया गया, तो समर्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी इस ड्रेस को, बट अगर आप मॉनसून के लिए कोई ड्रेस परचेज कर रहे हो तो आप ये परचेज कर सकते हो। एंड इसमें है ना अंदर की साइड, वेट अ मिनट, अंदर की साइड ये इलास्टिक दिया गया है ऑल ओवर, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है इसमें। आप डालने के बाद देख ही सकते हो इसका कुछ ऐसा लुक आता है, एंड डालने के बाद काफ़ी प्यारी लग रही थी, मेरे को तो काफ़ी अच्छे से फिट आई। एंड इसमें मैंने साइज परचेज किया है स्मॉल, उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से फिट आई। मैक्सिमम मेरे साइज एक्स्ट्रा स्मॉल होता है जो मैं किसी और ब्रांड से परचेज करती हूँ, बट जो अमेजोन से मैंने परचेज किया मोस्ट ऑफ स्मॉल साइज में है, एंड उसके बाद भी काफ़ी अच्छा फिट आया। एंड इसमें है ना नीचे जाने के बाद ये ऊपर से तो बॉडीकॉन हो गई, काफ़ी अच्छा फिट हो गया जहाँ तक इलास्टिक है, उसके बाद ये फ्रिल दी गई है, काफ़ी अच्छा यू नो फ्लेयर्स आता है नीचे जाने के बाद, इतना जो ये पैटर्न दिया गया है, तो ओवरऑल ये डालने के बाद काफ़ी काफ़ी प्यारी लग रही थी। एंड फैब्रिक का थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज आप ये परचेज कर सकते हो अगर आपको मॉनसून के लिए कोई ड्रेस चाहिए तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज अगेन फ्लोरल ड्रेस, बट इसका फैब्रिक एज कम्पेयर टू अदर्स जो मैंने ट्राई किए हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। इसका कॉटन का तो नहीं है, आई थिंक विस्कस या पॉलिस्टर का होगा इसका फैब्रिक,
एंड इसमें मेरा साइज है स्मॉल। एंड इसमें भी अगेन यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है वेस्ट के अराउंड, एंड नीचे जाने के बाद ये फ्लेयर दी गई है। इसकी भी अगेन नी से थोड़ी सी ऊपर मेरे को लेंथ आई है इसकी, एंड स्लीव्स की लेंथ इसकी फुल दी गई है, एंड आगे ये इलास्टिक दिया गया है। तो डालने के बाद काफी प्यारी लग रही थी, एंड इसको मैंने ब्लू हील्स के साथ स्टाइल किया। ओवरऑल काफी प्यारी लग रही थी। बेसिक सी एक्सेसराइज कर लो आप इसको व्हाइट कुछ पर्ल के इयररिंग्स के साथ एंड नीचे हील्स, काफी प्यारी लगने वाली है। एंड इस पे ऑल ओवर ये प्रिंट दिया गया है डार्क नेवी ब्लू के बेस के ऊपर, ये पीच व्हाइट रेड ऐसा कुछ करके। एंड इसका जो नेक है वो वी नेक दिया गया है। लुक एट दिस, डालने के बाद ये भी अगेन काफी प्यारी लग रही थी। सो या नेक्स्ट है ये रेड कलर की ड्रेस, एंड इसका प्राइस है सिर्फ 250 रुपीज। इतने अच्छे प्राइस में, एंड इसका फिट एंड डिटेल्स तो मैं क्या ही बताऊँ। इस पे है ना, पहले तो देखो बैक साइड में ये कट दिया गया है, यहाँ पे इलास्टिक है बैक साइड में, एंड फिर यहाँ पे ये ऐसे कुछ पैटर्न दिया गया है, तो आप टाई कर सकते हो बैक साइड में। ओके, एंड इसको आप आगे पीछे कैसे भी डाल सकते हो, चाहो तो आप इसे आगे की साइड डाल सकते हो, ये कट डिटेल्स जो है वो आगे की साइड करके डाल सकते हो या पीछे की साइड, बट मैंने इसको पीछे की साइड करके डाला था। एंड आगे ये स्क्वायर पैटर्न दिया गया है, एंड स्लीव्स में ये इलास्टिक दिया गया है, एंड आगे की साइड अगेन इलास्टिक दिया गया है, एंड काफी प्यारी पफी सी स्लीव्स है। एंड इसमें मैंने साइज परचेज किया स्मॉल, मुझे काफी अच्छे से फिट आया। आप इसे व्हाइट स्नीकर के साथ स्टाइल कर सकते हो, व्हाइट हील्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, एंड रेड कलर तो हर किसी प्यारा लगता ही है, तो 250 के अकॉर्डिंग इट्स ए ग्रेट ग्रेट परचेज। नेक्स्ट मैंने परचेज किया अगेन एक बॉडीकॉन ड्रेस विच इज दिस, एंड इसकी लेंथ है ना मॉडल पे काफी लॉन्ग लग रही थी, नी से भी काफी नीचे तक, बट मेरे को नी से ऊपर आई है। एंड ये थोड़ी सी मेरे को टाइट थी बट के अराउंड, एंड यू नो वेस्ट के अराउंड काफी टाइट थी ये। एंड इसमें मैंने साइज परचेज किया स्मॉल, पता नहीं क्यों टाइट थी, बट ओवरऑल इसका फिट जो है वो काफी अच्छा है। एंड इसका जो ये नेक लाइन दिया गया वो काफी प्यारा दिया गया है। डालने के बाद आप देख ही सकते हो ऐसी कुछ लग रही है, एंड स्लीव्स की लेंथ हाफ दी गई है। एंड नीचे जाने के बाद यहाँ पे साइड में इसमें ये इलास्टिक दिया गया है ऑल ओवर में, तो काफी अच्छा यू नो ऐसा रफल का पैटर्न सा बन जाता है। एंड इसका भी फैब्रिक अगेन थोड़ा सा थिक है, समर्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, बट अगेन आप मॉनसून के लिए कोई परचेज कर रहे हो तो आप ये परचेज कर सकते हो, क्योंकि काफी प्यारा वाइब्रेंट सा प्रिंट दिया गया है। रेड ब्राउन ऑरेंज ग्रीन का ऐसा कुछ पैटर्न दिया गया है, पैटर्न बोली सॉरी प्रिंट दिया गया है। सो ओवरऑल डालने के बाद ये भी काफी प्यारी लग रही थी, मुझे तो काफी पसंद आया इसका फिट एंड ऑल। सो ये ड्रेस भी अगेन आप मॉनसून के लिए परचेज कर सकते हो, समर्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। नेक्स्ट मैंने परचेज किया एक येलो कलर की ड्रेस, एंड इसका फैब्रिक काफी सॉफ्ट है, समर्स के लिए भी परफेक्ट होने वाला है। इसमें बैक साइड में ये चेन दी गई है, तो काफी अच्छा फिट आता है। एक तो मैंने सारे कपड़े ट्राई करके उल्टे करके डाल रखे हैं, जो कि मेरी बहुत ही बेकार हैबिट है, कोई नहीं। ओके, स्लीव्स की लेंथ 3/4 दी गई है, एंड आगे इलास्टिक दिया गया है, एंड इसका जो नेक लाइन दिया गया है वो वी नेक दिया गया है। लुक एट दिस, तो मुझे हल्का सा यू नो लूज लूज बोल रही सॉरी हल्का सा डीप लगा इसका नेक जो है, बट अगर ये काफी अच्छे से फिट आती है फिर ये इतना डीप नहीं होगा, मुझे थोड़ी सी लूज थी। अदरवाइज नीचे जाने के बाद काफी अच्छा फ्लेयर दिया गया है, एंड इसमें आगे की साइड ये बेल्ट दी गई है, तो आप इसे टाई कर सकते हो, काफी अच्छा फिट आता है टाई करने के बाद। एंड आप देख सकते हो डालने के बाद ऐसा कुछ लुक आ रहा था, एंड नीचे से काफी फ्लेयर लग रही थी। ओवरऑल ये ड्रेस डालने के बाद मुझे काफी पसंद आई, एंड ऐसा कलर मिलना काफी रेयर है। मुझे ऐसे कलर की ड्रेस काफी पसंद आती है जो पूरी मोनोक्रोमेटिक होती है, कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं होता है। तो आप इसे ब्लैक के साथ स्ट्राइल कर सकते हो, व्हाइट के साथ, किसी भी कलर के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो ये ड्रेस मुझे टू बी ऑनेस्ट काफी पसंद आई। नेक्स्ट मैंने परचेज की है लॉन्ग ब्लैक ड्रेस विच इज दिस, एंड इसका नेक वी नेक दिया गया है, उसकी वजह से काफी प्यारी लगती है। एंड स्लीव्स की लेंथ हाफ दी गई है, एंड यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है, एंड जॉर्जेट का कुछ फैब्रिक है इसका, काफी अच्छे से मेरे को यू नो इसकी फिट एंड लेंथ आई है। एंड मेरे को नी से थोड़ा सा नी बोली सॉरी एंकल से थोड़ा ऊपर आई है इसकी लेंथ, एंड नीचे जाने के बाद ये कुछ ऐसी प्लीटेड सी जो स्कर्ट्स होती है ना वैसा कुछ पैटर्न है इसका। एंड लुक एट दिस, काफी अच्छा फ्लेयर दिया गया है इसका, एंड अंदर की साइड जो है इसके लाइनिंग दी गई है वो नी से थोड़ा सा अबोव दी गई है, पूरे नीचे तक इसकी इनर की लाइनिंग नहीं दी गई है, सिर्फ नी तक दी गई है। ओवरऑल डालने के बाद ये ड्रेस काफी प्यारी लग रही थी, एंड ब्लैक ड्रेस तो काफी प्यारी लगती है, आप इसे पार्टी में भी स्टाइल कर सकते हैं,
बर्थडे पे भी डाल सकते हैं एंड वैसे नॉर्मली भी कैजुअली भी कहीं डालनी हो तब भी डाल सकते हैं। तो मुझे इसका फिट काफ़ी अच्छा आया एंड लेंथ भी काफ़ी अप्रोप्रिएट लगी मुझे इसकी। सो या हाईली रिकमेंड दिस ऑल्सो। लास्ट ड्रेस फ्रॉम टूडेज हॉल इज दिस रेड ड्रेस एंड ये मैंने लास्ट के लिए इसलिए बचा के रखी क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा थिक है, मतलब इतना थिक है ना तो कि आप समर्स में तो कभी वियर कर ही नहीं सकते। एंड आगे की साइड जो ये रिप्ड पैटर्न दिया गया है वो काफ़ी अच्छे से आपको यू नो ड्रेस डालने के बाद काफ़ी फिटेड लगती है बट फैब्रिक काफ़ी थिक हो जाता है। तो ये समर्स के लिए तो बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप मॉनसून के लिए या विंटर्स में ऐसी कोई ड्रेस सर्च कर रहे हो रेड यू नो क्रिसमस वगैरह पे डालने के लिए, मैं 6 महीने पहले की बात अब भी कर रही हूँ बट या मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी थिक फैब्रिक है, मैं ये रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। एंड बाकी इस पर प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छा दिया गया, फिट भी काफ़ी अच्छे से आया था एंड इसकी लेंथ मेरे को नीचे ऊपर आई थी बट इसका फैब्रिक काफ़ी थिक दिया गया है। अगर कैमरे पे विजिबल होगा तो आप देख सकते हो काफ़ी थिक फैब्रिक है। सो उसकी वजह से मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, अदरवाइज इसका प्राइस एंड फिट एंड बाकी सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आपको विंटर में परचेज़ करनी है तो आप परचेज कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज हॉल। आई होप आपको ये हॉल पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसी प्यारी प्यारी हॉल्स देखने के लिए नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना सो दैट मेरी नई हॉल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे एंड प्रोडक्ट स्टॉक आउट होने से पहले आप परचेज कर सको। सो या बाय।